वो ये ना कि एट द एंड लोग आपको आपके काम की वजह से जानेंगे जो आप रैप सॉन्ग निकालते हो, ना कि आपकी कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से। एग्जैक्टली कॉन्ट्रोवर्सीज तो होती है रैपर लाइफ ही, तुमको मालूम है। कोई ज्यादा अगर मैं कुछ ज्यादा लिख दूंगा तो शायद कल मैं जेल में भी जा सकता हूँ। रैपर लोगों का काम ही हुआ है वहाँ बैठा ऐसा करना। कॉन्ट्रोवर्सी मैं हूँ इंडिया का सबसे फिल्मी लॉनर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोस, एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद अपने मुंबई का बहुत ही कूल एंड ऑसम रैपर जिसका नाम है लोका। तो मेरे भाई कैसे हो आप? मैं हूं इंडिया का सबसे रियल लॉन्डा लोका विद इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डा राज जोस। क्या बात है मेरे भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई। अच्छा लगा भाई आप मेरे शो पर आए यार, नो वेलकम है सबसे पहले तो। भाई मुझे अच्छा लगा आपके शो पे आके, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अच्छा एक ब्रांड न्यू गाना आपका आया रैप सॉन्ग जिसका नाम है शॉट देके कल्टी। हाँ भाई, तो देखो गाना बहुत अच्छा है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे भाई कि ना ये किसको आप शॉट देके कल्टी हो रहे हो? ये शॉट देके कल्टी वो सबके लिए जो शॉट देके गायब हुए थे, शॉट देके गायब जिन लोग से जिन सुना है ये सब उसके लिए शॉट देके कल्टी। अच्छा मतलब जिन जिन लोगों ने आपसे पंगे लिए और सिर्फ आप गायब है ऐसा? हाँ, जिन लोगों को लगा मैं गायब हूँ, मैं यहीं पे हूँ पर मैं खाली शॉट दे रहा हूँ और वो लोग कल्टी हो रहे और कुछ नहीं, के लिए बस। अच्छा मैं समझ गया। एंड यू नो क्या बोलते हैं कुछ मतलब तो कौन है ऐसे कुछ नाम लेना चाहोगे आप? यू नो किन नहीं नाम तो पर बहुत सारे लोग है, नाम लूंगा तो पूरा इंटरव्यू अपना उसमें चले जाएगा नाम लेते रहने में। चलो ठीक है नाम नहीं लेते हैं। अच्छा गाने का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, तो पहले यू नो जो सही आ रहा है आपके फैंस देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे जिन्होंने आपके यू नो सॉन्ग को इतना प्यार किया? वही उनको यही बोलूंगा कि वो लोग बहुत रियल है और सही है, वो लोग अंडरग्राउंड सीन और एक आर्टिस्ट जिसको कुछ सपोर्ट नहीं है और कोई मतलब समझ लो खुद के दम पे कर रहा है वो लोग को सपोर्ट कर रहा है, मेरे को सही लग रहा है, सही है, बहुत रियल फैन बेस और अच्छा है जो भी है। हेटर भी है पर फैन बेस बहुत तगड़ा है। आपका फैन बेस सही है बहुत तगड़ा है, तो उन सबको प्यार है, थैंक यू। और दूसरा मेरे भाई यू नो जिन जिन लोगों ने अब तक ये सॉन्ग नहीं सुना उनको क्या बोलना चाहोगे यार? मैंने एक्चुअली ना भाई लोगों को बोलना ही मतलब भूल गया, मैं लोगों को बोलता ही नहीं आजकल। जिन लोगों को लग रहा है सुनना चाहिए सुनो, जिन लोगों को नहीं लगता वो लोग क्या बोलूं मैं भाई, वो लोग कभी नहीं सुनने वाले वैसे भी, टाइम आएगा सुनेंगे, सही टाइम पे सुनेंगे, ऐसा भी है क्या? एग्जैक्ट यही है भाई। चलो ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ यू नो जब ये गाना आप लिख रहे थे तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? मेरे माइंड में वही था कि मैं शॉर्ट देके गाया वो, अभी शॉर्ट देगी कल्टी, पब्लिक बहुत शॉर्ट दे रही है बॉम्बे सीन में। आपको अगर कभी बॉम्बे में अगर आप आओगे ना तो बॉम्बे का यहाँ का रेगुलर सीन है, पब्लिक शॉर्ट देती रहती है, शॉर्ट देगी गायब होती रहती है। अच्छा चाहे गवर्नमेंट बोलो या चाहे तुम कुछ भी स्ट्रीट्स के सीन बोलो, यहाँ के लोकल सीन्स बॉम्बे के स्ट्रीट के सीन्स या कुछ भी सीन बोलो, काम के सीन्स बोलो, सब शॉर्ट देगी गायब हो रहे। और शॉर्ट देगी कल्टी था कोरोना के लिए, ताकि वो जल्दी इतना बड़ा शॉट दे दिया, अभी कल्टी लेने का टाइम आ गया उसका। तो मतलब बहुत चीजें आपके माइंड में चल रही थी, मैं समझ गया हूँ आप वो आई थिंक। हाँ चलो ठीक है, ठीक है उस सब चीजों को अवॉइड करते हैं, गाना बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही यू नो थैंक यू थैंक यू। आपके फ्यूचर में भी सॉन्ग्स को और प्यार मिले, बहुत सारा थैंक यू सो मच भाई। क्वारंटीन यू नो आपका कैसा जा रहा है? मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि आप स्टूडियो में बसे हुए हो, म्यूजिक बना रहे हो बैक टू बैक। स्टूडियो में बस चुका हूँ पूरा टाइम, मैं बैक टू बैक खाली म्यूजिक ही बना रहा हूँ और रेगुलर खाली मतलब सुबह उठता हूँ दिन रात म्यूजिक ही चालू है। बहुत सारे बहुत कुछ नया नया सीखने मिला और बहुत नया बनाने मिला और खुद को पहचानने में मिला ये पूरे कोरोना के टाइम पे। That's great यार, क्या क्या सीखने को मिला थोड़ा मुझे बताओ। मतलब मेरे प्रोड्यूसर से मेरे को रिकॉर्डिंग और वो सब के बारे में सीखने मिला और राइटिंग मेरे को सीखने मिला, मेलोडी सीखने मिला, बहुत सारी चीजें। ग्रेट मैन, आई थिंक अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड कर रहे हो। थैंक यू, हाँ भाई वही कर रहा हूँ। सही। अच्छा देखो अब क्या है कि स्टूडियो में आप बस गए हो, म्यूजिक आप बहुत सारा बना रहे हो, रिलीज भी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोलते हैं गेमर भी हो? गेमर। तो जब आप म्यूजिक नहीं बनाते हो तो गेमिंग कर रहे नहीं कर रहे आजकल? पहले गेमिंग करता था पर आजकल गेमिंग में मेरा ध्यान इतना नहीं है, मतलब मैं टाइम पास गेम मिनी क्लिप्स, अभी भी मिनी क्लिप्स खेलता हूँ, फुल ओजी शिट है वो, बहुत ओजी पब्लिक खेलती थी मिनी क्लिप। पर अगर आपको miniclip.com मालूम रहेगा तो। हाँ भाई बिल्कुल बता भाई। हाँ वो सब मैं खेलता हूँ पर बाकी सब डोटा खेलता था मैं पहले और COD खेलता था और कॉल ऑफ ड्यूटी और काउंटर स्ट्राइक भी खेलता था, बट वो सब अभी बंद हो चुका है
इतना नहीं है। तो जहाँ तक देखो मेरे को पता है यू नो कि बहुत ही खतरनाक वाले गेमर थे आप, तो सडनली मतलब बहुत पर गेमिंग बंद क्यों कर दी यार? मतलब क्योंकि गेमिंग में मेरे अगर दिन में 24 घंटे तो गेमिंग में मेरे 30 घंटे जा रहे थे भाई, पता नहीं कैसे। अरे बाप पता नहीं कैसे भाई, मतलब जैसे मैं म्यूजिक बना रहा हूँ वैसे मैं उधर कैफे में बंद हूँ, मैकडॉनल्ड्स खा रहा हूँ, वहाँ पे खा पी के मोटा हो रहा हूँ, पेट बढ़ रहा है, खाली उंगली चल रही है भाई, बॉडी वॉडी सब बंद हो गया, समझ रहे, सोल बंद हो गया, खाली फिंगर चल रहे मेरे, ज़ॉम्बी ऐसी हालत हो गई थी भाई, कितना खेलेगा आदमी। हाँ 24 घंटे वही। फिर तो आपने अच्छा करा भाई कि यू नो गेमिंग बंद कर दी, आप सिर्फ म्यूजिक बनाओ। हाँ मैंने उंगली चलाने का काम चालू रखा, पर कीबोर्ड हटा के मैंने पेन पकड़ लिया, ऐसा सीन। दैट्स ग्रेट ब्रो। और मैं क्या, सब यही चाहते हैं कि आप यू नो सिर्फ म्यूजिक बनाओ, गेमिंग तो भाई हम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। थैंक यू सो नहीं भाई, मैं भी गेमिंग करना चाहता। हाँ मेरे को पसंद है गेमिंग कभी कभी, पर लेकिन म्यूजिक बनाने के बाद। हाँ ज़ॉम्बी वाली गेमिंग नहीं। अच्छा भाई जहाँ तक मेरे को पता यू नो आपकी लाइफ में रैप म्यूजिक आया एमिनम एंड लिल वेन की वजह से। सही एकदम सही, एकदम सही भाई। तो ये क्या स्टोरी है मुझे जाननी है? ये मेरी हॉस्टल की स्टोरी है। बचपन में मैं हॉस्टल में था पंजगनी में। हाँ। तो वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक मतलब म्यूजिक में थी। फिर स्कूल में आया बॉम्बे में, वहाँ पे म्यूजिक में थी 7-6 में। तो वहाँ पे बहुत सारे तभी के टाइम पे मैं मेटल रॉक और हिप हॉप पे इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि वो टाइम पे लिंकिन पार्क एमिनम और सिस्टम ऑफ अ डाउन और वो सब जो भी बैंड्स है, बैंड्स का सीन बहुत बड़ा था। हाँ। तो वहाँ से लिंकिन पार्क से मैंने सुना वो रैप, फिर वहाँ से मैं एमिनम और मेरे स्कूल में अंडरग्राउंड बैटल्स होते थे जहाँ पे लोग बुलिंग रैगिंग और वो सब के बारे में बात करते थे, तो मेरे को हिप हॉप बहुत प्लीजिंग लगा और बहुत कंफर्टेबल म्यूजिक लगा। तो फिर वहाँ से मैंने डिस्कवर और एक्सप्लोर करना चालू किया और वहाँ से फिर लिल वेन और एमिनम और फिर आज लोका है। सही भाई बहुत अच्छा, यू नो अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को आपने सुना है तभी इतना अच्छा काम कर रहे हो। एग्जैक्ट मेरे को ये बताओ कि किस एज में यू नो आपको लगा कि यार अब मेरे को ना रैप करना चाहिए, क्योंकि एज अ लिसनर आपने बहुत म्यूजिक सुना। हाँ आई थिंक 2-3 साल 3-4 साल पहले मेरे को लगा कि हाँ मेरा म्यूजिक मतलब जो प्रॉब्लम्स हिप हॉप में लोग बात कर रहे हैं वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो मैं फील करता हूँ। और खाली मतलब जरूरी नहीं कि वो लोग वो टाइम के मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट ही थे, जैसे टूपाक नाज और वो सब बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट भी थे जो लोग शायद नहीं सुनते थे, क्योंकि इंडिया का मेंटालिटी खाली 4-5 आर्टिस्ट सुनना और ये सब। तभी के टाइम पे भी मैं बहुत सारे आर्टिस्ट सुन रहा था, तो वो लोग की स्टोरी भी मेरे को लगी कि हाँ ये सब मतलब मेरे को कनेक्टेड फील हुआ कि बॉम्बे का जो लाइफ है, जैसा लाइफ स्टाइल है मेरा, जो मेरे मतलब प्रॉब्लम्स है। हाँ। वो मैं जैज गा के या समझ रहे हो बॉलीवुड गा के या वेस्टर्न गा के नहीं बता सकता, लोग वो आप रैप के थ्रू ही बता सकते हो वो हिप हॉप के। हाँ तभी मैंने सोचा कि चलो भाई पहले गाना लिखते हैं। That's great bro, आपने अच्छा सोचा और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो भाई आप। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। यार मेरे को ना एक बात जाननी है, क्योंकि जितने भी मैंने आपके गाने सुने ना आपकी लिखाई बहुत अलग है। जहां तक देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को सुधारना। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कमर्शियल लिखते हो। गलत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है वो, सही पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको लगता है। सो बेसिकली मैं गाने लिखता हूँ और जो भी लिसनर्स सोचते हैं बहुत डिफरेंट भी है वो लोग का परसेप्शन है। हाँ वो लोग का परसेप्शन है मेरे लिए, तो मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लोग क्या सोचते हैं। मेरा अभी भी काम है फोकस कि मैं अपना म्यूजिक निकालूं। तो अगर आपको लगता है कि मैं कमर्शियल है तो वो है कमर्शियल, क्योंकि वो मेरी लाइफस्टाइल है वैसी, कुछ भी शिट फेक नहीं है। किसी को लगता है बहुत स्ट्रीट है, किसी को लगता है थग है, किसी को लगता है बहुत रिच म्यूजिक है, बट सबको अच्छा लग रहा है, वही बड़ी बात है कि सबको म्यूजिक समझ में आ रहा है, सबको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो भी समझ में आ रहा है जिस हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, एक अलग ट्रिप। तो बिल्कुल आप अपनी जो रियल लाइफ है उसको आप लिखते हो, लेकिन बहुत अलग तरीके से लिखते हो, वो मेरे को बहुत पसंद है भाई। हाँ मैं बहुत यूनिक और बहुत अलग म्यूजिक रखने की कोशिश करता हूँ, alaghiphop.com अलग म्यूजिक रखने की कोशिश करता हूँ मैं बस भाई, और कुछ नहीं, यही है मैजिक। सही है भाई, अलग रखना भी चाहिए। एंड मेरे को बताओ आपको आपके रैप के लिए एंड लिखाई के लिए कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, किन किन आर्टिस्ट ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिए? बहुत सारे, सब सारे टॉप आर्टिस्ट में नाम नहीं लूंगा, पर सब लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया और बहुत लोगों ने शेयर भी करते थे पहले के टाइम पे, और बहुत लोगों ने कम जब भी ऐसे टाइम पे तारीफ की थी जब भी वो लोग भी बड़े नहीं थे, वो लोग के मैसेजेस थे मेरे पास बट मैंने वो लोगों को रिप्लाई नहीं किया था। ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा सीन भी बहुत, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना भाई। समझ गया वो टाइम पे, तभी मैं वो लोग को नहीं जानता। अच्छा एक किस्सा मेरे को जो पता है कि डिवाइन भाई ने आपको फीडबैक दिया था बहुत अच्छा सा। हाँ म्यूजिक के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। हाँ क्या था वो? सही था, उसने बोला बहुत, और डिवाइन ने बोला था कि लिरिक्स पे थोड़ा काम करने बोला था। सही था वो, तो आपने करा उस पर काम भी किया होगा? हाँ किया ना।
That's good, yeah. I think देखो ऐसे होना चाहिए, you know, जब आप आई थिंक जब आप किसी आर्टिस्ट से मिलते हो अगर कुछ लगता है तो फीडबैक देना चाहिए, ऑनेस्ट फीडबैक बहुत जरूरी भी है। हाँ, definitely. Definitely, भाई. अच्छा भाई मेरे को ये जानना है कि पिछले यार 1.5 साल में आपने अपना सीन बहुत ही लिट कर दिया हिप हॉप सीन में। हाँ, one of the fastest growing artists बोल सकते हैं। हाँ वही मैं कहने वाला था, आपने बोल दिया खुद ही, यू नो बहुत फास्ट आप ग्रो कर रहे हो एंड यू नो और इम्पैक्ट बहुत लोगों को पड़ रहा है आपके म्यूजिक को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके स्टाइल को लेकर, स्वैग को लेकर। तो ये मुझे बताओ पिछले 1.5 साल की जर्नी, मतलब इतनी तेज तेज कैसे? पता नहीं, इतनी बस वही हसल, रेगुलर हसल है भाई। बहुत हम खाली म्यूजिक में हसल नहीं करते यहाँ पे, अगर बॉम्बे में कोई मेरे को अच्छे से जानता है जो मेरी लाइफ स्टाइल है वही पूरी हसल है। Okay. मैं खाली म्यूजिक में हसल नहीं करता, मैं सुबह उठता हूँ तो एक हसल है, वो सोने जाता हूँ तो वो दूसरा हसल है, मतलब हर एक चीज में जो करता हूँ वो हसल है, असली हसल। सही बात है भाई, इतना हसल, इतना हसल है कि MTV शो पे अपने को जज बना सकते हो। I got it. समझ गया मैं, क्या ये हसल है, मतलब उतना बहुत हसल है। अच्छा हसल से मुझे याद है अभी मैं, अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई जज को हटा के मेरे को जज बनाना, नहीं नहीं, खाली एक एक्स्ट्रा सीट डालने को लगती है ना, वहाँ पे चार डाल दो और क्या। देखो भाई मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ, मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ, मैं समझ गया था कि मतलब अगर 3 जज वहाँ ऑलरेडी बैठे तो एक और जज, एक और क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, ऐसी 3 जज है तो, 3 जज है तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, 4 आएंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, वैसा लॉजिक। ठीक, अच्छा भाई यू नो हसल की बात कर रहे हैं तो फिर तो मुझे जहाँ तक अभी तक याद है कुछ एक कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी ना। हाँ, कंट्रोवर्सी, कौन सी कंट्रोवर्सी, इतनी सारी कंट्रोवर्सी मेरे को याद नहीं है, कौन सी बात कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं आपको धीरे धीरे याद दिला दूंगा, आई एम एक्सपर्ट इन दिस शिट। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यू नो कि एक रियलिटी शो है हसल, उसको लेकर कुछ इशू हुआ था आपका, आई थिंक कुछ उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था, कुछ 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 था, कुछ इशू हुआ था बीच, वो क्या था? हाँ मतलब वो लोगों ने 1 महीने पहले मेरे को सिलेक्ट करके रखा था और बोला था कि मेरे को म्यूजिक देने का और मतलब लाइव जाके पब्लिक को थोड़ा सिखाने का ये वो ये, तो 1 महीने पहले फिक्स करके रखा था, फिर लास्ट मोमेंट पे वो लोगों ने कैन कर दिया। और कैन क्या, ठीक है, मतलब उन्होंने मना कर दिया ठीक है, पर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोला कि हसल जो MTV का जज नहीं सॉरी जो MTV का कोई तो मेन आदमी है हेड, उसको मेरे से पर्सनल प्रॉब्लम है। तो ऐसा मैसेज सामने से जब भी आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरे को देखना तो पड़ेगा ना मैटर में कि क्या सीन है। बस उसके लिए मैंने किया, फिर वो लोग का रिप्लाई नहीं, वो लोग एम्प्लॉयज के मुझे कॉल आया कि प्लीज वो पोस्ट निकाल दो, हम लोग की जॉब चली जाएगी ये वो ये। मैंने बोला मेरे को तुम लोग की जॉब से फर्क ही नहीं पड़ता, जो तुम लोग ने किया है, जो तुम लोग, मेरे को तुम लोग के वो जो हेड है उससे बात करना है, क्योंकि वो मेरी जॉब ले रहा है, जो मेरी जॉब है रैपिंग। तो वो लोग, अगर तुम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता तो मेरे को क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि तुम लोग की जॉब है या नहीं, है ना, या नहीं है। हाँ, तो बस मैंने वो बोला, फिर उसके बाद कुछ कॉल नहीं आया, फिर मैंने वो गाना बना दिया, फिर उसके बाद मेरे पीछे साथ ब्रोडीज वाले मेरे पीछे पड़ गए। हाँ वही मैं उस पर आने वाला था, यू नो फिर आपकी यू नो यू आर अ कॉन्ट्रोवर्शियल चाइल्ड, तो उसके बाद आशीष भाटिया वाली कॉन्ट्रोवर्सी भी, वो बहुत आई थिंक वो इंटरनेट में यू नो सबसे ज्यादा वो थी, क्योंकि मीम्स बहुत बन रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, और क्योंकि मैंने उसमें क्या किया था, मैंने एक्चुअली वो क्या नाम है उसका, माचिस किया, इतना माचिस बोल दिया मैं भूल गया उसका नाम क्या है, आशीष भाटिया, आशीष हाँ आशीष के साथ ऐसा सीन था कि मैंने उसके सपोर्ट में एक पोस्ट डाला था कि अगर स्प्लिट्स लाके असली विनर ये लोग है आशीष और मायशा, तो और जीते थे प्रियंवदा और श्रेय, जो शो ने जिताया था क्योंकि हर साल रोडी जीत रहा था, तो मैंने वो पोस्ट, मैंने वो बता के उसके सपोर्ट में पोस्ट किया था, उसमें वो बोल रहे तो ये सब छोड़ और तेरी और मायशा की स्टोरी बता, क्या वो भी फेक थी। तो वहां से फिर उसके मीम पेजेस, उसके फैन पेजेस, जो भी मतलब अच्छे फैंस है अंधे, उन्होंने मीम पेजेस बना, मीम्स बनाना चालू किया, और उसके बाद फिर मैंने गाना निकाला जिसमें मैंने उसकी सच्चाई बताई कि अगर सच्ची बात करने का तो ठीक है चल सच बात करते, फिर मैंने सच्चाई बताई और बहुत ज्यादा वो गाना, मतलब वो गाना इतना शेयर हुआ है, मतलब लाइक से ज्यादा शेयर है गाने में, पहली बार मैं तुमको स्क्रीनशॉट मार के भेज सकता हूँ, लाइक से ज्यादा शेयर है गाने में, बहुत ज्यादा शेयर हुआ। सो देखो अब वो सब हुआ, उसके बाद अब क्या सीन है, मतलब ऑल इज वेल बिटवीन यू एंड आशीष भाटिया? नहीं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है उसने। हाँ भाई मेरे को भी नहीं समझा क्यों, मतलब और वो जो रैपर्स मुझे डिस कर रहे हैं, हाँ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे ब्लॉक करके, तो मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ मेरे को याद आता है एक किसी रैपर ने आपको डिस मारा था, भाई ने वो गाना शेयर किया था। हाँ वो शेयर करके एक रैपर है, शीजेड करके एक रैपर है,
उसने मेरे पे डिस निकाला था, तो वहाँ पे मैंने जाके डिस पे देखा कुछ 3-4 हज़ार व्यूज और कुछ भी वो बोल रहे कि मैंने गाना कॉपी, मतलब उसने लिरिक्स लिखा है ये सब वही फेमस होने के लिए। मैं खुद के लिरिक्स सब खुद ही लिखता हूँ, वो 100% गारंटी है, कोई नहीं लिखता, कोई ऐसे आके बोल नहीं सकता कि मेरे प्रोड्यूसर और जो लोग मेरे आसपास बैठे वो लोग देखते कि मैं खुद ही लिखता हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बोले। तो उसमें वो सब बोल रहा है और उसको हेट बहुत मिला गाने में, और फिर वहाँ पे कमेंट में देख रहा हूँ तो आशीष भाटिया का, माचिस भाटिया का कमेंट है, ब्रूम ब्रो, हैशटैग ब्रूम ब्रो, उसका हैशटैग है वो, तुमको मालूम है ब्रूम ब्रो, ब्रूम ब्रो मालूम है ना, वो बोलते थे ब्रूम ब्रूम ब्रो ब्रूम ब्रो, हाँ, तो वो हैशटैग उधर और उधर 300-400 लाइक्स है, जो उसके फैंस ही है, या ब्रो ही स्पीकिंग थ्रू या ये, मतलब वो MTV के बच्चे फैंस। तो फिर मैं बोला, और फिर और दूसरा एक आर्टिस्ट है रणवीर पाजी करके, हाँ जानता हूँ उसको, बहुत अच्छा फ्री स्टाइलर रैपर, हाँ वही फ्री स्टाइलर जो भी है, तो वो फ्री स्टाइल वो उसके लाइव में जाके उधर मेरे बारे में फ्री स्टाइल कर रहा है, जिस जो मेरे से मतलब मालूम है 2-3 साल पहले, अभी मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल देता कि अच्छा आर्टिस्ट है बैक है, पर वो क्या एक शो पे मैं जज कर रहा था उसको, तो वो शो के बारे में मुझे याद दिला रहा है, बोलता है कि तुम वो शो, मेरे को याद भी नहीं था कि मैंने इसको जज किया है, और मेरे को जज करना पसंद भी नहीं वैसे भी, वो क्यों किया था मेरे को मालूम भी नहीं है, तो मैंने उसको पूछा अगर इतना सब हुआ तो क्यों तू लाइव पे जाके क्यों मेरे बारे में बोल रहे है ना, क्यों मेरा नाम ही क्यों ले रहा है, लोका भोका वो सब जो भी मेरे बारे में रैप निकालते खाली 4-5 वर्ड, धोखा लोका भोका मोका, बस ये 5-6 वही, और पब्लिक वही बोल रही है उस पर ही, बाहर उस पर ही पूरी गाने बन रहे वो लोग की, और ये सब तो वो शेयर कर रहा है, फिर यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाया तो मैंने वो सब देख के उसको पूछा, फिर उसने शॉर्ट भी किया, फिर अगले दिन वापस कोई दूसरी जगह पे जाके उसने इंटरव्यू दिया जिसमें वापस ऐसा बोला मेरे बारे में कि ये वो, तो फिर मेरे पास छोड़ो इसको हटाओ ये ऐसी क्या है मेरे साथ। तो मैं भी ये बोला था आई थिंक साइड कर देनी चाहिए जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है लाइफ में, आई थिंक काम, मतलब जो रियल चीज है जिसपे मुझे ध्यान देना चाहिए मैं उस पर ध्यान देता हूँ, ये सब चीजों पे मैं ध्यान, वो ये ना कि एट द एंड लोग आपको आपके काम की वजह से जानेंगे जो आप रैप सॉन्ग निकालते हो, ना कि आपकी कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से। एग्जैक्टली कॉन्ट्रोवर्सीज तो होती है रैपर लाइफ ही, तुमको मालूम है कोई ज्यादा, अगर मैं कुछ ज्यादा लिख दूंगा तो शायद कल मैं जेल में भी जा सकता हूँ, रैपर लोग का काम ही वो है, बट ऐसा कर रहा कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, ऑब्वियसली नहीं करूंगा यार, मैं बोल रहा हूँ, हाँ आई नो, मैं उस बात का मतलब समझ गया। इसके अलावा एक और कॉन्ट्रोवर्सी भी आपकी, कौन सी, विद रफ्तार भैया, हाँ आपने उनको अनफॉलो कर दिया, आपने यू नो यू स्टार्टेड क्लेमिंग की गुची सब वर्ड्स मैंने चालू करे, मतलब वो क्या है जहां तक मैंने पढ़ा है? ये कुछ वो नहीं थी, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी, बहुत सिंपल चीज थी जिसको मैंने ओपिनियन दिया था कि मतलब बहुत सारे ऐसा मैंने नहीं बोला था कि गुची मेरा है, मेरे गुची के स्टोर्स है ये सब, या गुची मैंने इन्वेंट किया इधर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था मैंने। नहीं, हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने यू नो पोस्ट देखे थे, हाँ मतलब वही मैं तुमको बता रहा हूँ कि पब्लिक ने ऐसा फैला था, हाँ पब्लिक ने ऐसा फैला दिया था, ये सब बोला था, पर बहुत सिंपल चीज था कि मैंने खाली बोला कि बहुत सारे लोग गुची बोलते हैं, हाँ। ठीक है, तो गुची मतलब अगर तुम कुछ चीज बोल रहे हो, अगर तुम रैपर हो, रैपर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इतना लोग जो बोलते हैं रियल रैप रियल रैप रियल रैप मतलब रियल रैप, अगर तुम एक गाने में बोल रहे हो कि तुमको गुची पसंद है तो दूसरे गाने में जस्ट बिकॉज कोई गुची दूसरा बोल के फेमस हो गया, जैसे लिल पंप या जो भी गुची बोल के ज्यादा फेमस हो गया, अचानक तुम बोलते हो गुची के एंड सुन, समझ रहे हो, मतलब वो जो वो पॉइंट था मैंने, और फिर वापस तीसरा गाना आता है, ठीक है तुमने पहले बोल दिया कि तुम्हें गुची पसंद है जो भी हो थप्पड़ वप्पड़ गाने पे, और फिर तुम बाद में बोल रहे हो कि अभी कोई गुची गैंग ज्यादा बोल गया मतलब पागल हो गया बिलियन में व्यूज आ गए, तो खाली रहा मेरे ख्याल से वो जो रेफरेंस था गुची गैंग वो नाचने का गुची गैंग वो लिल पंप की तरफ था, हाँ पर लिल पंप भी तो एक आर्टिस्ट है ना भाई, उसकी भी तो मेहनत है, चाहे पूरी कंट्री हेट करती है उसकी, इंडियंस बोलेंगे मंबल है ये भाई, वो क्या 20-19 साल का था तभी, तभी इतने 500 बिलियंस में व्यूज है उसके, खाली मिलियंस नहीं, तो जो भी वो बोल रहा है वो भी तो मेहनत है ना भाई, उतना बड़ा होना भी तो मेहनत है ना, है ना, हाँ तो वही चीज अगर कोई और, मैं वही बोल रहा हूँ कि आज मैं गुची बोल रहा हूँ, ठीक है मुझे गुची पसंद है, मैं गुची की मतलब फैन हूँ गुची का, हाँ। कल अगर मेरे कोई ऐसा आर्टिस्ट है वो गुची मुझसे बोल के आया मुझसे ज्यादा फेमस हो चुका है, ठीक है तो मैं उसमें ऐसा गाने में नहीं बोलूंगा कि मुझे गुची अभी पसंद नहीं है ये सब गाने मत सुनो, तुम समझ रहे हो क्या? समझ रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। और फिर तीसरे गाने पे वापस तुम बोलते हो कि क्या था वो, मैं लाइन भूल गया, रोती बेबी गुची पे और आंसू पोछे फेंडी से, हाँ जो लेटेस्ट ट्रैक है आई थिंक, नहीं हो हाँ नहीं हो, मैं तो उसमें भी वापस मतलब गुची को सपोर्ट ही किया, अच्छा बोला है गुची के बारे में, हाँ गुची को लेके एक लड़की को मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब किया, उसके एटीट्यूड कैसी है, रिच एटीट्यूड है, रिच गर्ल है, तो तुम वो रिच गर्ल के पीछे ही हो,
तो मतलब वही चीज, बस एक नॉर्मल ओपिनियन था भाई कि क्या है। वही वही कि एक नॉर्मल ओपिनियन थे कि हेट करते हो। और वो रफ्तार भाई को मैंने पूछा भी था, मेरे को कभी अगर रफ्तार भाई को पूछा रहता तो मैं मैसेज करता, ठीक है। तो मेरा वो भी एम नहीं था कि मैं मैसेज करके पूछू, खाली ऑनलाइन मैंने पोस्ट किया लिसनर्स के लिए। हाँ मतलब जस्ट ओपिनियन कि भाई ये मुझे ओपिनियन, हाँ, कि ये मतलब ठीक है या गलत है, ये ऐसा है गलत है। तो बहुत लोगों ने बोला वो सही है, और पर जो ऑब्वियसली रफ्तार साइड के फैंस है जो कट्टर, मतलब तुम समझ रहे हो ना, हाँ, वो लोगों को बुरा लग गया वो बात कि नाम ही कैसे लिया। अभी आर्टिस्ट है तो क्या जस्ट बिकॉज फैन बेस ज्यादा तो नाम नहीं ले सकते क्या भाई? समझिए अभी मुझे कोई भी आर्टिस्ट कह रहे हैं बात करने का रहेगा तो मेरे को उसका दूसरा नाम बना के बात करना पड़ेगा। हाँ, देखो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपकी ओपिनियन थी आपने वो डाली, बट आई थिंक जो फैंस के फैंस ने उसको इधर उधर कर दिया और उसको कुछ अलग बना दिया। बहुत बहुत मेरे को गुची का ओनर बना दिया, गुची मेरे को लिल पंप का भाई बना दिया, क्या क्या बोलूं क्या क्या बना दिया। चलो ठीक है सब कर रहा फैंस ने, बट उसके बाद आपने अनफॉलो कर दिया रफ्तार भैया को, क्यों? एक्चुअली मैंने अनफॉलो पहले से ही किया था भाई, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सीन ऑन ऑफ होते जा रहा था बहुत टाइम तक। वो बहुत अंदर की चीज है जो, हाँ अच्छा, वो सब थोड़ा अलग ही सीन हुआ है। ठीक है भाई, देखो मुझे लगता है कि जो भी चीज है आई थिंक एक सबके पास, आई थिंक आपके पास रफ्तार भैया का नंबर होगा, उनसे बात करके जो भी चीज आई थिंक सॉर्ट आउट कर लेना। कभी मेरे को लगा है कि ऐसे, हाँ मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई पर्सनली, वो तो मीम पेजेस का थोड़ा मैंने भी ट्रोल किया और ट्रोलिंग चालू था, वो रफ्तार भाई को भी मालूम रहेगा। हाँ वो खुद मीम सपोर्ट करते हैं भाई, मीम पसंद है। हाँ मीम पसंद है उनको, मैं देखता हूँ। लेकिन उसके अलावा मतलब आप भी बीच में भाई देखो स्वाद और मजे तो लेते हो, बताता हूँ कैसे। हाँ बताता हूँ कैसे, सीधी बात है भाई कि अभी लेता हूँ मैं। हाँ रफ्तार भैया का भी अकाउंट हैक हुआ था, आपने पोस्ट डाल दिया वो गुची वाला, हाँ, कि यू नो हैक कर दूंगा, मतलब वो अगर वो चाहे वो आपने मजाक में डाला बट लोगों ने उसको फिर रियल ले लिया। बहुत ये मेरा यही था कि मैं अगर कुछ मजाक भी करूंगा ना ऑनलाइन में, ये मीम पेजेस और जो हेटर्स है वो इतने डम है, ऑब्वियसली मैं कहां मेरे पास यहाँ पे कहां काम है, टाइम है भाई मैं किसी का पेज अकाउंट हैक करके बैठू, मेरा और कुछ काम नहीं है क्या भाई? तो वो चीज मैंने खाली टाइप किया, खाली लिखा, क्योंकि मीम्स तो बन ही रहे थे, तो कुछ भी लिख रहा हूँ मीम बन रहे, तो मैं बोला चलो ठीक है। फिर उस पर वापस मीम्स बनने चालू हो गए, मेरे को हैकर वैन बुला रहे लोग, बोल रहे स्विस बैंक अकाउंट हैक करने का, तो लोगों का कॉन्टेक्ट करो ये सब। हाँ देखा मैंने, आई थिंक वो पोस्ट आपने एक सरकास्टिक वे में डाला था क्या? बहुत बड़े सरकास्टिक, कौन मतलब रियली अगर तुम सोचोगे तो कौन हैक कर सकता है भाई कोई भी अकाउंट ऐसे थोड़ा ना, मेरे मैं बैठे बैठे थोड़ा ना बैठ कोरोना में बैठ के हैक करने का सीन है वो। अगर हैक यार जिसने भी किया वो बहुत गलत काम किया भाई। हाँ भाई जिसने भी किया बहुत गलत काम किया, बहुत गलत किया भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है इसको बात करिए खत्म करते हैं। आई थिंक फ्यूचर में रफ्तार भैया से जब आप मिलोगे तो आई थिंक जस्ट स्टॉप। डेफिनेटली भाई डेफिनेटली, लास्ट टाइम बस के ऊपर मिले थे मैं और रफ्तार भाई, इस बार आई थिंक प्लेन पे मिलेंगे या फिर अच्छा बोट शिप पे मिलेंगे या फिर स्टेज पे मिलेंगे। That's great bro, जरूर मिलना भी चाहिए। अच्छा भाई मेरे को ये बताओ कि बहुत सारे यू नो लेबल्स ने आपको अप्रोच किया साइन करने के लिए लेकिन आपने मना कर दिया, क्यों? जहां तक मेरे को पता आपने ये बोला था कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। हाँ इंडिपेंडेंट सीन ही मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए बेस्ट है। एंड किन किन लेबल्स ने आपको अप्रोच किया था? कलमकार ने अप्रोच किया था, फिर मेरे को और वो कौन सा है वो क्यूकी ने अप्रोच किया था। ओके और दो तीन कमर्शियल भी पंजाब के थे, पर मेरे को कभी ऐसा मतलब पॉइंट नहीं लगा है कि लेबल में जाना चाहिए मेरे को। मेरा म्यूजिक हमेशा मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट लगा। इसके अलावा और कोई रीजन जैसे होता ना कि जब लेबल पे गाना आता है तो आपको अपने लिरिक्स थोड़े से अगर आप जैसे बहुत कुछ लिखते हो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना जो आप अपने इंडिपेंडेंट चैनल जैसे आप एक फ्लो में आप लिख रहे हो कुछ, कोई गाली है मान लो ना, आपने फ्लो में कुछ लिखा उसमें भैंचोद है और आप वो चाहते हो कि वो रहे, बट होता ना कि लेबल पे हट जाता है, ऐसा भी कुछ सीन था? हाँ भाई जो आपकी जो इंडिपेंडेंस है राइटिंग की। हाँ वो सब बहुत सीन होता है अपने वर्ड्स पे ध्यान, क्योंकि वो लोग बहुत सारे बार्स और हम लोग कैसे रैपर लोग डबल मीनिंग डबल वर्ड वर्ड्स विद डबल मीनिंग वो सब पे बहुत खेलते रहते हैं, तो लेबल्स को डबल मीनिंग नहीं समझ में आता तो वो प्रॉब्लम बन जाता है भाई, वो सीन है। तो इस चक्कर हाँ तो आपको इंडिपेंडेंट ही रहना है। और इंडिपेंडेंट सही है, मतलब अपने को और ज्यादा सीखने मिलता है इंडिपेंडेंट के हिसाब से, जो बाकी का काम है जो ऐसा लेबल कर रहे तो तुम्हारा दिमाग एक लेबल के ऐसे चलने लगता है अगर तुम इंडिपेंडेंट रहते हो तो, जो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। बट इंडिपेंडेंट अभी जैसे आपका मैनेजर भी होगा। हाँ मैनेजर है ना भाई, तो क्या तुम बोल रहे हो क्या मैनेजर है तो मतलब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ?
नहीं 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 मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो आपको मतलब फिर ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ मतलब मैनेजर है तो ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, मैनेजर है तो भी आर्टिस्ट, मैनेजर इसलिए रखते हैं आर्टिस्ट क्योंकि उसके पास इतने सारे कॉल्स और इतने सारे ये काम आ जाते हैं कि हाँ हाँ वो आर्टिस्ट खुद बात नहीं कर सकता, और फिर अगर आर्टिस्ट खुद बात करेगा ना तो पब्लिक लोग जो लेबल लोग रहती है और जो खरीदने वाले म्यूजिशियन मतलब जो खरीदने के लिए रहते हैं वो लोग बहुत बेकार डील रहते, बेकार डील देते हैं मैनेजर रहता है। और दूसरा भाई वो ना एक तरह की इंडस्ट्री में हिपोक्रेसी है, यू नो एग्जैक्टली कि अब यार वो तो छोटा आर्टिस्ट है वो तो खुद फोन उठाता है उसके मैनेजर ही नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और वो सब उसके लिए रखते हैं क्योंकि हम लोग को ये सब हैंडल नहीं करने का आर्टिस्ट को, अपने को म्यूजिक बनाने का, हम लोग चाहते हैं कि ये सब कोई हैंडल करे। तो मैनेजर को मैनेजर और मैनेजर कौन लोग है जो अपने आसपास के दोस्त है जो अपने को जब भी हम लोग बॉटम में थे जीरो पे थे तब से सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग ही आसपास के लोग जो मैनेजर है, कोई ऐसा बाहर से हायर करके कोई बंदे को नहीं रखा है, ये वही लोग हैं जिन लोगों को अपना पैसा जो आ रहा है अपने हिस्से का बांटने का, ये लोग थे वो टाइम पे। हाँ सही है, और मेरे ख्याल से कि मैनेजर होना भी जरूरी है क्योंकि यू नो अगर आर्टिस्ट खुद ही सारी चीजें करेगा तो फिर वो गाना नहीं कर पाएगा ना, आपका माइंड अभी फ्री है यू नो कि मेरा मेन फोकस है गाना लिखने का, बाकी सारा जो धंधा है वो मेरा मैनेजर लेकर आएगा। वही एग्जैक्टली और अगर मैं अपने YouTube चैनल से खुद से निकाल रहा हूँ सारे गाने के कॉपीराइट्स मेरे पास है तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चाहे मेरे पास मैनेजर रहे या चाहे मैं इंडिया का प्रेसिडेंट भी बन जाऊँ मेरा म्यूजिक इंडिपेंडेंट ही है अगर मेरे सारे राइट्स मेरे पास। पर अगर तुम कोई लेबल के थ्रू निकाल रहे हो कि मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिस्ट ने इसके थ्रू म्यूजिक निकाला देन यू कैन, तुम चाहे जितने भी इंडिपेंडेंट हो या तुम वो गाने के बिना इंडिपेंडेंट हो पर वो गाने के लिए तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, वो गाने बिक चुका है सो यू कैन टेल योर क्राउड दैट कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ अभी भी तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा पर उसका जो गाने निकला है जो आर्टिस्ट का जो लेबल के थ्रू है वो इंडिपेंडेंट नहीं है वो टाइम पे एंड दैट्स अ फैक्ट। सॉरी भाई मैं तो वैसे भी अग्री करता हूँ, आई ऑल्सो यू नो अग्री विद यू जॉब कह रहे हो। एग्जैक्टली अच्छा मेरे को ये बताओ यू नो आजकल आप किन किन रैपर्स को सुन रहे हो, कहाँ कौन से सीन में, इंडियन के बाहर का सीन? बोथ यार इंडियन हिप हॉप एंड यू नो बाहर का। बाहर तो आजकल पॉप स्मोक और रॉडी रिच ओके और बहुत सारे जी आई करके एक अच्छा आर्टिस्ट है वो सब, फिर वही नया म्यूजिक सुन रहा अभी जो भी आ रहा है। और इंडिया में मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट है इंडिया में, नाम तो नहीं ले सकता पर पूरे बॉम्बे सीन दिल्ली सीन। जर ये नाम का क्या चक्कर है, मतलब मैं कई बार सुन चुका इंटरव्यू में आप बोलते कि इस आर्टिस्ट ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया तारीफ करी ये करा लेकिन नाम नहीं लूंगा, मतलब इस तरह इशू? हाँ भाई क्योंकि नाम की लिस्ट ली जाते ना भाई तो नाम नहीं लिया या नाम लिया ना तो उसपे भी बहुत सारे वीडियोस बन जाते हैं कि इसका नाम नहीं लिया इसका नाम क्यों लिया। अच्छा अच्छा हाँ वो फैंस भी पील देते फिर। हाँ तो वो सब एटलीस्ट मैं इंटरव्यूज में तो अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरे को इतना कॉन्ट्रोवर्सी इंटरव्यूज में नहीं। ठीक है ठीक। एंड इसके अलावा भाई आपका ड्रीम कोलैबोरेशन किस आर्टिस्ट के साथ आप चाहते हो कि मैं करूँ, वो कौन है? मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन किस आर्टिस्ट के साथ होता है कि मैं करूँ? बोहेमिया के साथ कर सकता हूँ और इक्का भी मेरे को अच्छा लगता है। हाँ इक्का भाई खतरनाक बहुत। तो ऐसे मैंने नाम ले लिए जो फुल मतलब समझ रहे अभी जिनका सबसे अलग ही सीन चल रहा है, ये लोग दो आर्टिस्ट जो कभी काम नहीं करेंगे पर शायद मैं ये लोग काम कर सकता हूँ। ओके तो मतलब ये आपके ड्रीम कोलैबोरेशन के आर्टिस्ट जिनके साथ यू वांट टू वर्क? हाँ मतलब और बॉम्बे में भी ऑब्वियसली है। कौन है ना बताओ? एमीवे है। एमीवे हाँ वो भी खतरनाक जो आर्टिस्ट के साथ मैंने कोलैब नहीं किया। एमीवे है, डिवाइन भी है और तो कोई नहीं है भाई, इतने आर्टिस्ट है जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट नहीं किया जिनके साथ मुझे कोलैबोरेट करना है, बाकी सब जिनके साथ मुझे कोलैबोरेट करना है मैं कोलैबोरेट कर चुका। सो ये चार आर्टिस्ट बचे जिनके साथ फ्यूचर में यू वांट टू वर्क कोलैब करना। चलो भाई ऑल द बेस्ट यू नो फ्यूचर में कि ये पॉसिबल हो। थैंक यू सो मच। यार एक गाना आपके चैनल में जो मुझे बहुत पसंद आया जिसका नाम आपने चेंज कर दिया तो पंजाब की बिल्लो में बॉम्बे से बिल्ला, पंजाब की बिल्लो तो मैं बॉम्बे से बिल्ला स्केचेस कर रहे यार बहुत सही था भाई यार। थैंक यू सो मच। आई लव्ड इट ब्रो। थैंक यू सो मच। कैसे आइडिया आया, मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहले आपने किया था उसका रिमेक? हाँ मैंने ही किया था। मेरा आइडिया ऐसे था कि मेरे को लगा कि वो मेरे टाइप का जो भी वो बोल रहा है वो मेरे टाइप का ही है, मतलब मेरा स्वैग ही वो कोई और बोल रहा है ऐसा लगा था तो मैंने बोला कि चलो मैं इस पे जाके अपना इफेक्ट डाल देता हूँ उस पे। तो फिर बाद में जाके वो फिट हुआ और फिर वो वायरल हो गया हर जगह। ओके बहुत ही अच्छा यार। आई थिंक उसका नाम चेंज हो गया अब वो इंस्टा म्यूजिक पे भी मैंने देखा वो बिल्कुल एक न्यू सॉन्ग की तरह साउंड कर रहा है। हाँ उसका नाम चेंज हो गया क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक वाइक वो सब पड़े थे। हाँ बहुत सारे सीन हो रहे थे और टिकटॉक पे कुछ 40 मिलियन व्यूज हो गए थे पंजाब की बिल्लो के हैशटैग पे तो लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे
गाना 40 मिनट वहां पर हो गया, अब तो बंद हो गया। और उसके अलावा यू नो आई थिंक लोगों ने बहुत प्यार दिया उस गाने को यार, वो तो वो बहुत ही कूल लाइन है यार, बहुत 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 अच्छा है राइम पब्बे। और जिन लोगों को मालूम नहीं कि बिल्ला क्या होता है, बिल्ला मतलब कुछ बिल्ली बिल्ली है ये नहीं है, बिल्ला मतलब एक स्लैंग है, जैसे स्लैंग है मुंबई का, बंडाए बोलते ना बंडाए, आइब्स वो खतरनाक बिल्ला सीन, जैसे बोलते बिल्ला सीन करके रखा हुआ है खतरनाक। हाँ पब्लिक पता नहीं क्या ट्रोल करने के लिए हेटर लोग को कुछ बिल्ली बिल्ला कुछ कुछ अलग ही हो। और बिल्लो मतलब तुमको ही मालूम पंजाबी में शॉर्टीज लोग कुकुड़ी नहीं लड़की को बोलते हैं कुड़ी को बिल्लो, वही शॉर्टीज शॉर्टीज हाँ। जो शॉर्टीज अच्छे अच्छे शॉर्टीज रहते उसको बिल्लो बोलते हैं, यहाँ पे सही वाले जो अपने जैसे लोग रहते उन लोग को बिल्ला बोलते हैं। बस ये दो स्लैंग्स को मैंने कंबाइन किया और वो इतना मतलब वो लाइन पब्लिक के पब्लिक पागल हो गई भाई, तू पंजाब की बिल्ला और मैं बॉम्बे से बिल्ला, शॉट देते बिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सही है भाई, मतलब आई लव इट यार, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत लव मिला, बहुत ज्यादा लव वो गाने में, तो मैं बता ही सकता कितना लव मिला। हाँ ऐसे और गाने जो आपके फ्यूचर में उनको लव आ रहे, बहुत आ रहे, बहुत बहुत अभी आ रहा है मेरा, आई थिंक 4 तारीख को आ रहा है जॉर्डन शूज। वही मैं पूछ रहा था कि फ्यूचर में आपके सिंगल्स और कोलैबोरेशन एल्बम उनके बारे में बताओ। जॉर्डन क्या नाम है पूरे गाने का? कोलैबोरेशन तो अभी कुछ भी नहीं है, जॉर्डन शूज, जॉर्डन शूज ओके, जॉर्डन के जूते होते ना उस पे गाना। और कोलैबोरेशन तो मेरे साथ कुछ भी नहीं है अभी फ्यूचर में, सब सोलो ही आ रहा है। ओके सोलो एंड एल्बम और ईपी? ईपी 17 तारीख को ड्रॉप हो रहा है, 17th of September मेरा बर्थडे वो दिन। ओके ओके, तो उसके लिए वो ईपी ऑटोबायोग्राफी वो दिन ड्रॉप कर। नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी सही यार, तो मतलब उसमें भी सारे सिंगल्स होंगे मतलब लोका के? सब सिंगल्स है, सब सिंगल्स है। चलो बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, मतलब खतरनाक ईपी निकालो, सिंगल्स भी खतरनाक निकालो, जी फाड़ काम करो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और भाई यू नो जो आपके फैंस है जो आपको इतना प्यार करते हैं इतना सपोर्ट करते हैं जो अभी देख रहे हैं उनको आप क्या कोई क्यूट सा मैसेज या स्वीट सा मैसेज देना चाहोगे? उन लोगों को यही बोलूंगा कि अंडरग्राउंड और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को जो तुम सपोर्ट कर रहे हो और तुम लोग जो म्यूजिक फील कर रहे हो रियल म्यूजिक एक हसल फील कर रहे हो एक आर्टिस्ट का जो बॉम्बे से, वैसे और फील करते रहो और फैलाते रहो गाना और मचाएंगे और मैं राइम्स दूंगा जिसपे पब्लिक और नए नए राइम्स दूंगा जो बच सकते और मतलब समझ रहे मीम्स बना सकते हैं पब्लिक को बोल सकते हैं कैप्शन बना सकते हैं या लिरिक्स खाली गा सकते हैं, बस सपोर्ट करते रहो और बस वही और कुछ नहीं बोलूंगा, जो असली उसके साथ रहो। सही बात है भाई, जो असली उसके साथ रहो और फ्यूचर भाई आप खतरनाक काम करो। एंड जाने से पहले यू नो एक बॉक्स होगा आपके टेबल के नीचे, बॉक्स है ना मेरे टेबल के नीचे है? अरे वाह देखा पहुंच गया, मतलब बॉक्स है भाई, वो बॉक्स है अरुण ओंकी और राज जोंस की तरफ से एक बॉक्स आपके पास आया, मैं चाहता हूँ आप उसकी अनबॉक्सिंग कर दो, मेरे को पता उसके अंदर क्या है, आप यू नो दिखा दो सबको। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अर्बन मंकी आपको पसंद आई? बहुत 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 भारी, क्या शाइन मार गए टोपी। हाँ भाई आप पहन लोगे फिर और शाइन मारेगी, मतलब दूसरा टोपी तो मेरे बारे में लिख के बनाने लगता है, हाइपर रैप साइफर सीधा भाई तेरा हाइपर। सो भाई यू नो ये गिफ्ट बॉक्स आपके लिए था अरुण मंकी राज जोंस की तरफ से, एंड थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट कि आप मेरे शो पर आए, बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे थे, फाइनली यू नो अच्छा लगा भाई मुझे कि आप मेरे शो पर आए भाई, थैंक यू सो मच मुझे शो पर बुलाने के लिए। हाँ भाई बिल्कुल भाई, मतलब बहुत मेहनत से करते हैं चीजें हम लोग यार, और आपके फ्यूचर में यू नो सिंगल्स के लिए आपकी ईपी के लिए भाई यू नो ऑल द बेस्ट, जी फाड़ काम करो भाई, फाड़ दो सबकी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर।